जनपद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 53 करोड़ की धनराशि से 75 गांव में विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 में तरल अपशिष्ट पदार्थों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 75 बड़े आबादी वाले गाँव का चयन किया गया है। गाँव में सूखा गड्ढा नाली, भूमिगत नाली, ढकी हुई नाली, खाद गड्ढे का निर्माण कराया जा रहा है। गाँव में कार्यों के लिए 53 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 50% की धनराशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 15 गांवों में कार्य तेजी से चल रहा है, बाकी ग्राम पंचायतों में कार्यों को जल्द शुरू किया जाएगा। उनके ग्राम पंचायतों की कार्य योजना भी मंगाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन की टीम ग्राम पंचायतों में जाकर ग्राम पंचायतों के कार्यों का मुआयना करेगी। उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर सभी ग्राम पंचायतों के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, इसको किसी को हाथों भिजवा दो जरा सा। स्वच्छ भारत मिशन में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे पता है कि फेज 2 में ठोस और जो तरल अवशिष्ट प्रबंधन है उस पर मेन फोकस है, तो उसके तहत अभी हम लोगों ने सबसे पहले 75 जो बड़े गांव हैं जिसकी आबादी 5000 से अधिक है उसका चयन किया है। उनमें सूखता गड्ढा नाली, भूमिगत नाली, ढकी हुई नाली, उसके अलावा RRC सेंटर, खाद गड्ढे, बर्मी कंपोस्ट, नाफेद कंपोस्ट इत्यादि का निर्माण कराया जा रहा है। और साथ ही साथ जो वेस्ट सिविलाइजेशन पॉन्ड है, इसमें कि जो द्रव कूड़ा जो होता है उसका जो अपशिष्ट द्रव होता है उसके प्रबंधन के लिए जो वेस्ट सिविलाइजेशन पॉन्ड है उसका निर्माण कराया जा रहा है। और इन सभी ग्राम पंचायतों में इसमें फेज 2 से धनराशि ऑलरेडी उपलब्ध कराई गई है। लगभग 50% के आसपास की धनराशि खर्च भी की जा चुकी है और लगभग इन 75 में से 14 से 15 ग्राम पंचायतों में RRC सेंटर ऑलमोस्ट कंप्लीशन के आसपास है। और अगले बाकी जो 60 ग्राम पंचायत है उनमें भी ये कंप्लीशन जो है मुझे लगता है अगले 15 दिन से 1 महीने में सभी ग्राम पंचायतें सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी रिसोर्स रिकवरी सेंटर से, जहाँ की ठोस और द्रव कूड़ा को ठोस कूड़े का जो है प्रबंधन किया जाता है, उसको गीला कूड़ा सूखा कूड़े को अलग किया जाता है। और इसके अलावा जो बाकी ग्राम पंचायतें जो उनकी भी कार्ययोजना मंगाई जा रही है। और जो 15 ग्राम पंचायतें हैं अभी जो हम लोगों ने 15 ग्राम पंचायतें लिए, जिसको हम लोग मॉडल ग्राम पंचायत बनाएंगे, एक ग्राम पंचायत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जो है इसके लिए जो टीम जो आएगी यहाँ से दिल्ली से और लखनऊ से, वो टीम जो है इन ग्राम पंचायतों का मुआयना करेगी। तैसे ग्राम पंचायतों में 5 ग्राम पंचायतें 2000 से कम आबादी के, 5 ग्राम पंचायतें 2000 से 5000 की आबादी के, और 5 ग्राम पंचायतें जो है 5000 से अधिक आबादी की ली गई है। तो इस तरह से अभी गोरखपुर में इस पर काफ़ी कार्य चल रहा है। अगले एक वर्ष में हमें लगता है कि हम गोरखपुर के सभी ग्राम पंचायतों को SLW के लिए सब्सिडेट कर लेंगे। कुल मिलाकर के गोरखपुर में जो 75 ग्राम पंचायतें में 34 करोड़ की धनराशि आई है। इसके अलावा 308 जो राजस्व गाँव थे उन राजस्व गाँव में इसके अलावा 19 करोड़ की धनराशि और आई थी। कुल मिलाकर के लगभग 53 करोड़ की धनराशि जो है SLW के लिए गोरखपुर में मिला है। इसके अलावा राज्य की केंद्रीय की जो धनराशि होती है उसके जो टाइट फंड होता है उससे भी SLW काम कराया जा रहा है, और मनरेगा के फंडिंग से भी जो उसमें मटेरियल का जो है नाली का इन सब चीज़ों का निर्माण उससे भी कराया जा रहा है।